पहला न्यूमेरिकल करते हैं, मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, और दूसरा दिया है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी है, तो डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे नक्शा बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपको बताया नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है, साउथ डायरेक्शन नीचे, इस साइड में ईस्ट और ये वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन होती है। और हमें क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अपने घर से निकला है और वो 50 मीटर चला जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये इससे हमें पता चला कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है और 50 मीटर चला जाएगा और यहाँ से वो मुड़ेगा, और कहाँ पे मुड़ रहा है, वो ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, 40 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ और फिर से मुड़ रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट से हमें पता चला ईस्ट डायरेक्शन में जाना है इसलिए ईस्ट निकाला हमने, और यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होती है तो नीचे की डायरेक्शन में ये हमने फिगर बनाई, और कितना जा रहा है 20 मीटर जा रहा है, तो ये 20 मीटर वहाँ पे उसका फील्ड आता है। तो इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन दी है और हमें बताया है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा टोटल पाथ लेंथ, वो पहले डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, तो ये पाथ लेंथ टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, पहले गया वो ए टू बी 50 मीटर, फिर गया बी टू सी और फिर गया बी सी टू डी, मतलब पहले गया है 50 मीटर, फिर गया है 40, फिर गया है 20, तो ये सबकी एडिशन मतलब होगा टोटल पाथ लेंथ और वो होगा हमारा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 60 और ये 110 मीटर, इतना डिस्टेंस होगा। तो बी पार्ट पूछा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, तो ये उसका हाउस और फील्ड दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कितना चला उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, वो अभी का अब कहाँ पे और पहले कहाँ पे था, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो कैसे फाइंड करते हैं हम, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, हमें सिर्फ वो फाइनल पोजीशन कहाँ पे, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, उनमें ही हमारा इंटरेस्ट होता है, वो कितना चला, किस तरह से चला, कितने बार वो मुड़ा, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डायरेक्ट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल डी है, इनिशियल ए है, तो ए टू डी ये शॉर्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे वेक्टर यूज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे पाइथागोरस, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पाइथागोरस यूज करो, ज्योमेट्री यूज करो, तो ये क्या होगा, देखो ये बना हमें राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है ये कितना है, 40 है, और ये कितना है, ये टोटल 50 है, टोटल 50 है, तो इसमें से 20, ये 50 है टोटल, तो 20 चला गया, तो ये कितना रहा 30, तो ये 40 है और ये 30 है, तो 3, 4, 5 आपको पता होना चाहिए। तो नाइन्थ में पढ़ा है आपने पाइथागोरस थ्योरम, जब भी कभी पढ़ा है आपको पता है परपेंडिकुलर साइड्स अगर एक 3 होती है और एक 4 होती है तो ये कितनी आती है, 5 आती है, मतलब ये 30 है 40 है, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी 50 मीटर, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर।